देखी हमने एक ये छोटा सा बॉर्डर, मतलब दो तीन उल्टी सी उल्टी उल्टी ही सिलाई निकाल रखी है फंदे डाल के। आप हम इसमें आप बॉर्डर बना के जिस तरह स्वेटर बनाते हैं या जर्सी उस तरह डिज़ाइन बनाएं, हम तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक फंदा हमने इस तरह स्लिप कर लिया पहला वाइट कलर का, और तीन फंदे हम ग्रीन कलर के बना रहे हैं। देखिए आपको जो कलर आपको अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एक फंदा हमें इस तरह उतारना है इस सिलाई से, और तीन फंदे हमें हम ग्रीन कलर से हरे रंग से बना रहे हैं, थ्री फंदे बनाने हैं। ये उतार लिया सिलाई से, आप जिस कलर से भी बनाएं जो कलर आपको अच्छा लगता है उसमें, एक आप लाइट कलर लिए हल्का रंग और एक डार्क कलर। देखिए बस इसमें एक ही पहली सिलाई में हमें इसी तरह बनानी है, एक फंदा इस तरह उतारना है सफ़ेद कलर का है जिस कलर का भी हम बॉर्डर बना रहे हैं, और तीन फंदे थ्री फंदे हमें बनाने हैं। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। सिलाई हमने कंप्लीट कर दी और पीछे की सिलाई हमें इसी तरह बनानी है जिस तरह हम गांठ बनाते हैं बोलते हैं जिस तरह। देखिए मेरा हाथ अड़ जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये फंदा तो हमें इसी तरह उतारना है और इन इस फंदे को इस सीधी इस तरह सिलाई करके सिलाई से इस तरह बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है और आपके जर्सी स्वेटर या कार्डिगन में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये फंदा हमने स्लिप कर लिया उतार लिया मतलब, और जिस तरह अगले ये उल्टी सिलाई हमें इसी तरह बनानी है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई थी मतलब टू, और ये हमने यहाँ कंप्लीट कर दी पीछे से बना के। पीछे से भी इस तरह आएगा, एक सिलाई एक कलर की दो सिलाई बनती हैं आगे पीछे की, और ये हमारा पहला फंदा है। तो इसे देखिए हमारी तीसरी सिलाई है, और जिस तीसरी सिलाई में हमें ये करना है कि ये जो बीच का फंदा है इसकी फली बनानी है और इसकी भी, और यहाँ अगली तरफ भी हम फली बनाएंगे, मतलब फली की सिलाई को देखना आप सिलाई किस तरह चलेगी, और इसे हम गांठ बनाएंगे। हमारे यहाँ इधर इस तरह ही बोलते हैं, और आप देखिए मैं इसे इस तरह बना लिया हमने, एक फंदा दूसरा फंदा हम अगली तरफ को इस तरह बनाएंगे। देखिए बन गया, फिर एक फंदा हम ये बीच का इस तरह बनाएंगे, फिर एक फंदा मतलब इसी तरह बनाना है हमें पूरी सिलाई, बस ये ध्यान रखना है ये, और फिर इस फंदे को हम फली की तरह बनाएंगे, फिर अगला फंदा इस तरह बना लेंगे। पूरी सिलाई हमें वाइट कलर से बनानी है, और ये फंदा बना लिया हमने, फिर इस फंदे को इस तरह बना लिया, फिर बस धागा आगे पीछे लाना है। ये फंदा भी हम फली की तरह ही बनाएंगे इस तरह, ऊपर को सिलाई लेके और इसे इस तरह बना लिया, फिर पीछे धागा लेके और इस तरह बनाया इसे, फिर अगली तरफ धागा ले आए अपनी तरफ, फिर इसे बना लिया इस तरह, फिर पीछे धागा लेके और इस फंदे को भी इसी तरह बनाना है। देखिए एक हमारे यहाँ से एक फली और एक गांठ बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में जो कुछ बोलते होंगे, पर आप सिलाई पर ध्यान दें। इस तरह बनाएंगे हम इसे, और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे।
देखिए बस इस डिज़ाइन में इसी सिलाई में थोड़ा सा आगे पीछे फंदा करना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल है। पीछे से भी ये सिलाई सीधी बनाई जाती है और ये फंदा हम इस तरह एक कलर की दो सिलाई बनाई जाती है और ये हमारी थ्री सिलाई तीसरी सिलाई है। और ये हमने फलीक तरह बना लिया, देखिए इसलिए हमने पूरी सिलाई आपको दिखाई जिससे कुछ गलत ना हो। ये बना दिया हमने और इसे भी हम इस तरह ही बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी तीन सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब मैं पीछे से आपको बना के दिखा रही हूँ थोड़ी सी सिलाई, ये सिंपल सिलाई बनती है, फिर अगली तरफ से दिखा देंगे हम थोड़ा सा आपको। वैसे तो ये एक बार डिज़ाइन चार सिलाई में ही कंप्लीट हो जाता है, ये फोर सिलाई है हमारी चार मतलब। और ये पूरी सिलाई में इसी तरह वाइट कलर से सफ़ेद रंग के धागे से पूरी कंप्लीट कर दूँगी, इसे इसी तरह बनाना है। देखिए इसे इस तरह लेना है धागे जिस तरह पहले बनाया था। बार का हमारा ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है और दूसरी बार इसमें इस तरह करना है। देखिए ये जो फंदा है, ये तीन फंदे हम हरे रंग के बनाएंगे, ग्रीन कलर के ये फंदा हम स्लिप करेंगे और ये दो फंदे भी हम देखिए हरे कलर के बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, ये दो फंदे हमने बना लिए, इस फंदे को स्लिप कर लिया। अब तीन फंदे हम हरे कलर के बनाएंगे, ये तीन फंदे बना लिए हमने, इसे उतार लिया स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे बनाएंगे, इसे स्लिप कर लिया उतार लिया मतलब। देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे की सिलाई में मैंने आपको बता रखी है कि एक फंदा उतारना है और ये तीनों फंदे हमें बनाने हैं। ये देखिए ये तीन फंदे बना लिए ध्यान रखें, और ये स्लिप कर लिया और ये तीन फंदे मतलब ये बीच का फंदा और ये इसके बराबर की, क्योंकि अब की बार ये जो हमने खूब डिज़ाइन बनाया है ये अब की बार यहाँ की बजाय यहाँ पर आएगा और यहाँ ये वाइट कलर का आ जाएगा। और ये हमारी पांचवी सिलाई है, हम थोड़ा सा और बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह का बन के आ रहा है और हम आपको थोड़ा सा और बता दें। देखिए यहाँ पर ये हमने पहले भी आपको बताया था इस तरह, ये फंदा अब की बार हम ये दो फंदे हमारे बनाएंगे इस तरह, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे बनाएंगे, एक उतारना है, तीन को बनाना है, थ्री बनाने हैं। देखिए पूरी सिलाई इसी तरह करनी है और पीछे से भी इसे उतारना है और इन्हें बनाना है गांठ की तरह। हमने पहले आपको इस शुरू में ही दिखा बता रखा है। देखिए इस तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हमारी ये कंप्लीट होगी और इसे पीछे से इस तरह बनाना है। हम थोड़ा सा आपको
वाइट कलर के भी फंदे बना के दिखा देंगे। और ये इस तरह पीछे की सिलाई निकलती है। और अब हम इसे देखिए, हमने पीछे की सिलाई बना ली है, मतलब इधर की साइड की। और ये हम आपको एक बार वाइट कलर से और बना के दिखा रहे हैं सफ़ेद रंग से। देखिए पहला फंदा हम फली का बनाएंगे, इसमें हमने आपको पहले बताया था ये फंदा हम फली का बनाएंगे और ये गांठ का बनाएंगे, मतलब इस तरह धागा ला के बनाना है। ये एक बना लिया, फिर इसे इस तरह बनाना है, फिर धागा की तरफ ला के बस इसमें जो भी कुछ डिजाइन बनता है वो इसी सिलाई में बनता है। एक फली और एक गांठ, मतलब कि ये बनती है एक फली और ये तीन के बीच की एक ये। और ये हम अच्छे से सिलाई सीधी बनाई जाती है, मतलब उल्टी सिलाई जिस तरह बनाते हैं इस तरह बनाते हैं। पूरी सिलाई हम इस तरह पीछे से कंप्लीट कर देंगे और अगली ये इस तरह कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ तक डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।